बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम दोस्तों, मैं वसीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वसीम अल्ताफ। तो कैसे हैं सब, उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज है चौथा दिन कार्य का, पार्टियाँ वही सेम हो जाएंगी, मतलब सेम पार्टियाँ जावेद रोशन की और दूसरी जो रहेगी वो रहेगी मोहम्मद और मुख्तियार की। एक अच्छा मुकाबला ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज के साथ शुरू है, देखते हैं आज क्या बनता है, किसको मौका मिलता है इस बार कबूतर पकड़ने का। अपने वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल वसीम अल्ताफ को भी लाजम सब्सक्राइब कर देना। एक शानदार मुकाबले की शुरुआत ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज के साथ, देखते हैं आज क्या बनता है। अपने वीडियो को भी लाइक करना। हमारे पे एक कबूतर पकड़ के देते उन्हें तो निकता है। हाँ झूठे पेड़ है ना, साफ समझदार हो। चाह भी ये है, लो टूल पलाते तो परोटा बगैर ते और वाय करन Oh.
फिर भी पहले लू भरे, लू पकड़ के से एक लाना खड़े एक पकड़ी प्लस पहले लू भरे भैया।
चार 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 नहीं बैठे वहाँ एक कबूतर था फर्क है पाँच मतलब एक टोटल था छी वो था लैना लग गया भाई वो लग गए Thank you.
इंदे कोला वड्डी चोट भी नहीं किंदे ਕਰਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ
ਕੋ ਗੰਜਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਲਾਂਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਮੇ ਕਿਨੇ ਤਾਂ ਕਰਮੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜਨ ਰਾਤ ਦਾ ਤੈ ਤੂੰ ਕਿਨੇ ਚੰਗਵਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਪ ਕੇ ਦੇਣੀ दोस्तों आज का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा शानदार था, ज़बरदस्त था, बेहतरीन अंदाज के साथ था। शान और जाबिर की पार्टी हार चुकी है, तकरीबन कोई 14 और 6-8 कबूतर आज हारी है, तो देखते हैं कल क्या बनता है। आज मोहम्मद की और मुख्तार की पार्टी जीती है कबूतर। तो आज का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा शानदार था, ज़बरदस्त था, बेहतरीन अंदाज के साथ था। अमन मुकाबले जितने भी होते हैं यहाँ पर चलता रहता है, ज़ोर तो चलता रहता है हर मुकाबले का, जैसे यहाँ पर चल रहा है। तो आज का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा शानदार था, ज़बरदस्त था। तो जीत हुई है इस बार मुहम्मद और मुख्तार की। तो कल 5वां दिन, इसके बाद 6ठा दिन और आखिरी दिन। तो मुकाबला काफ़ी ज़्यादा शानदार था। ਇਹ ਮੁਖੀ ਟਰਾਲਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਡੇ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਧਾ ਹੈਕ ਤੜਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਲ ਬੈਣ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਚੜ ਕੇ ਦਿਓ ਕਬੂਤਰ ਬੱਦੇ ਨੂੰ 33 40 ਕੱਠੇ ਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਡਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਉਡਾਰੋ ਬੀਨ ਜੱਦੇ ਮਾਨ 8-10 ਸਾਰੇ ਪਕੜੀ ਪਾ
ਦੇਖ ਖਲਦੀ ਪਰੋ ਅੱਧੇ ਖੜੇ ਅੱਧੇ ਚ ਜਰਾ ਇੱਕ ਲੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਧੇ ਖੜੇ ਲੇਕਿਨ